हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप अपने सिग्नेचर को PNG में कैसे कर सकते हैं, जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, और नीचे हमें कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और पास में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस भी सिग्नेचर को आपको यहाँ पर PNG में करना है, उस सिग्नेचर को आपको यहाँ पर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद में हम ओपन पे क्लिक करेंगे, और ओपन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक सिग्नेचर है, मैं उसको आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये सिग्नेचर है, तो दोस्तों यहाँ पर ये सिग्नेचर आ गया है। तो दोस्तों, इस सिग्नेचर को हमें PNG करना है। तो PNG कैसे करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सिग्नेचर को ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्ट, यहाँ पे ऊपर आपको सिलेक्ट दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है सिलेक्ट पे। उसके बाद में आपको यहाँ पर कलर रेंज पे आपको क्लिक करना है। कलर रेंज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट पे आपको यहाँ पर शैडो चूज कर लेना है। शैडो चूज करने के बाद में नीचे आपको सिलेक्शन पे टिक होगा दोस्तों, इसको आपको यहाँ से अनटिक कर देना है, और इमेज पे आपको टिक कर देना है। इमेज पे टिक करने के बाद में यहाँ पर सिलेक्शन प्रीव्यू, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ग्रे स्केल पर क्लिक कर देना है। ये सब करने के बाद में आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों, ये इसका जो हमारा सिलेक्शन है, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों, जो अदर पार्ट है, यहाँ पर भी ये सिलेक्शन हो गया है दोस्तों, तो हमें इसको क्या करना है, इसको अनसेलेक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको लासो टूल मिल जाएगा दोस्तों, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये लासो टूल है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों, आपको क्या करना है, अल्ट के साथ में अपने कीबोर्ड से अल्ट को दबाए रखें, और उसके साथ में आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जहाँ पर भी आपका ये सिलेक्शन हुआ पड़ा है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये अनसेलेक्ट हो गया है। जहाँ पर भी आपका सेलेक्ट है, वहाँ पर इसको आपको ड्रॉ कर देना है, तो वहाँ पर ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा अनसेलेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, अब ये हमारा सिग्नेचर है, जो इसका सिलेक्शन हुआ पड़ा है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन लेना है। यहाँ पर पहले मैं लेयर का ऑप्शन लेके आता हूँ दोस्तों। यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर लेयर ऑप्शन नहीं है, तो आप विंडो में जाएंगे। विंडो में जाने के बाद में आप लेयर पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने लेयर ऑप्शन खुल जाएगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन मिल रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर ये देख लीजिए नीचे, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सॉलिड कलर पर क्लिक करना है। सॉलिड कलर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप इस सिग्नेचर का कोई भी कलर दे सकते हो, जैसे कि रेड देना है तो रेड दे सकते हो, ब्लैक देना है तो ब्लैक दे सकते हो, अगर आप वाइट देना चाहते हो तो वाइट दे सकते हो, और भी आप कलर दे सकते हो। यहाँ पे कोई सा भी आप कलर दे सकते हो, यहाँ पे आप बहुत सारे कलर मिल जाएंगे आपको, कोई सा भी कलर आप दे सकते हो अपने सिग्नेचर को, कोई सा भी कलर यहाँ पे दे सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ब्लू ले लेता हूँ, और उसके बाद में हम यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है दोस्तों, लेयर ऑप्शन में दोस्तों आपके सामने बैकग्राउंड आ रहा है दोस्तों। इस बैकग्राउंड के सामने एक दोस्तों आई का ऑप्शन आ रहा है, अपनी जो आँख है दोस्तों, इसका ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर ये हट जाएगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये PNG में हमारा ये सिग्नेचर हो गया है दोस्तों। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा PNG में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, अब आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो। ये देखिए दोस्तों, आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो। अब दोस्तों, इसकी बात रही सिग्नेचर को सेव करने की, तो सेव करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, फाइल पर जाएंगे और सेव एज पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों, आपको क्या करना है, इस जो सिग्नेचर है, इसका आप कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे मैं YYY दे देता हूँ नाम। और उसके बाद में फॉर्मेट आपको चूज करना है, यहाँ पर फॉर्मेट आपको दोस्तों PNG में चूज करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर PNG है दोस्तों, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये PNG में सेव होगा दोस्तों। अब आपको सेव कहाँ करना है, तो दोस्तों हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, और डेस्कटॉप पर हम इसको सेव कर देंगे। तो सेव पर हम क्लिक करेंगे, तो ये सेव हो जाएगा दोस्तों डेस्कटॉप पर। तो ये हमारा सेव हो गया दोस्तों। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों ये देख लीजिए सेव हो गया है। तो मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ दोस्तों आपके सामने। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये PNG में ओपन हो गया है हमारा फ़ोटो।
तो दोस्तों आपको इसका पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप अगर इसको कहीं पे भी यूज करोगे तो यहाँ पर ये सिग्नेचर ही आएगा दोस्तों, ये पीछे का बैकग्राउंड नहीं आएगा। तो दोस्तों आप इसको अपने सिग्नेचर को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, एमएस वर्ड में यूज कर सकते हो, कहीं पे भी इसको लगा सकते हो दोस्तों सिग्नेचर को, और इसे आसानी से आप अपने काम को किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आप इसको यूज कर सकते हो, इसको कहीं पे भी उठाकर लेकर जा सकते हो। सो आई होप दोस्तों आप अपने सिग्नेचर को PNG में करना सीख गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, और नीचे हमें कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों ऐसे ही टैक्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा, और पास में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई टिप्स नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।